फिल्मी इंडस्ट्री के इस साल की सबसे बड़ी फिल्म रिलीज हुई निरहुआ चलन लंदन, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये औंधे मुंह गिर गई। जी हाँ, ये किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि भोजपुरी सिल्वर स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ की ये फिल्म बुरी तरह से पिट गई है। आपको बता दें कि इसका क्या कारण है, तो इसके तीन इम्पॉर्टेंट कारण सामने आ रहे हैं। जी हाँ, तीन ऐसे रीज़न जिसकी वजह से ये फिल्म फ्लॉप हो गई। तो पहला रीज़न, तो चलिए बताते हैं आपको पहला रीज़न क्या है। पहला रीज़न ये है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ ने इस फिल्म का उस तरह से प्रमोशन नहीं किया जिस तरह से वो अपनी हर फिल्मों का प्रमोशन करते हैं। और दूसरा रीज़न इस फिल्म का ये है कि ये फिल्म डिले हो रही थी। जी हाँ, ये फिल्म पिछले साल ही बनकर तैयार हो गई थी और इसे रिलीज़ भी पिछले साल हो जाना चाहिए था, लेकिन बार बार रिलीजिंग डेट की वजह से दर्शकों का एक्साइटमेंट इस फिल्म से उठ चुका था। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण रीज़न ये बताया जा रहा है कि इस फिल्म को देखने के लिए दर्शक जिस तरह की एक्सपेक्टेशन लेकर सिनेमा हॉल में गए थे, उससे विपरीत उन्हें वहां देखने को मिला। यहां जितने भी दर्शक इस फिल्म को देखकर आ रहे हैं, सभी के मुंह पर निराशा साफ झलक रही है कि उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक यह फिल्म नहीं बनी है। साथ ही साथ फिल्म का म्यूजिक भी काफ़ी निराशाजनक रहा है। फिल्म का कोई भी ऐसा गाना अभी तक दर्शकों के मुंह पर नहीं चढ़ा, या यूं कह लें निरहुआ की हर फिल्मों में संगीत सबसे अहम रोल निभाता है, लेकिन इस फिल्म में संगीत उस तरह का नहीं है जिस तरह का निरहुआ की हर फिल्मों में होता है। लेकिन यहाँ ये कहना ज़रूर पड़ेगा कि कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री को इस फिल्म से काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी। अगर यह फिल्म हिट होती तो भोजपुरी इंडस्ट्री को इससे काफ़ी फ़ायदा होता, लेकिन साल की पहली रिलीज़ और वो इतनी बुरी तरह से फ्लॉप होगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। दिनेश लाल यादव निरहुआ की ये पहली फ्लॉप फिल्म है, तो वहीं आम्रपाली की इस साल की ये दूसरी फ्लॉप फिल्म है। पहली फिल्म लागल रहा बताशा भी आम्रपाली की अच्छी नहीं चली थी, और अब दूसरी फिल्म ने भी निराशा ही दर्शकों को हाथ लगी है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए आप हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।